प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से, आज के इस रात्रि में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के डेली डिवोशन में हम शुरू करते हैं और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता दिन भर के तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो खुदावंद यीशु राजा आपने आपकी दया आपकी कृपा हम सब पर बनी है। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी हम सभी भाई बहन आपके चरणों में आए पिता और आपकी आवाज को सुनते हैं यीशु राजा, आप हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि प्रभु हमसे जो भी बात करें हम उसे सुनकर उस पर चल सके। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा। हमारे आत्मिक कानों को खोलिएगा, हमारे आत्मिक आंखों को खोलिएगा, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनकर खुदावंद यीशु राजा उसकी गहराई को हम समझ सके, उसके प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमने आपको पूरी रीति से हम आपके कंट्रोल में करते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आप जैसा हमारे जीवन से चाहते हैं, और जो बातें खुदावंद यीशु राजा हमें बताने जा रहे हैं उसको सुनकर प्रभु जी अपनी आंखों को खोल सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे, और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा को कर सकते हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएं। प्रेम निधान यीशु कृपा कीजे दर्शन है, प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। प्रेम निधान यीशु कृपा कीजे दर्शन है, प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा कीजे प्रेम निधान। यीशु कृपा कीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। या भव सागर में नित शंका, या भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजे प्रेम निधान। यीशु कृपा कीजे दर्शन है, प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम बढ़ने पाए, और प्रभु से हम सदैव विनती करें कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया सदैव हम पर बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वचन बताता है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं इसलिए हमें हर समय की नजाकत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। और ये सब बातें तभी संभव है मेरे प्रियो, जब प्रभु की कृपा, प्रभु की दृष्टि जब हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो कि पाया जाता है, वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका चौथा पद, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:4, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जो संसार में है परमेश्वर हमारा उससे बड़ा है। Our Lord is greater than him who is in the world. Praise the Lord.
और हम ये कब जान पाएंगे, जब हम इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, परमेश्वर स्वयं हमसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के हो, प्रेज द लॉर्ड, किसी और के नहीं हो। हम दूसरों के हाथों में अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, कब? जब हम शरीर की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, जब इस संसार के नियंत्रण में हम आ जाते हैं, संसार के अभिलाषाओं को पाने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए दे दिया, और उसके लहू के द्वारा हम सभी पाप से छुड़ाए गए, हम सभी उसके दाम लिए हुए बेटे व बेटियां, हम उसके लिपालक पुत्र हैं। हालेलुया, इसलिए आज हमें ये जांचने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि आज हमने अपने आप को किसके कंट्रोल में दिया है, और ये कब हो जाता है हमारे साथ, जबकि हम मसीह भाई बहन जो परिवार मसीह परिवार में जन्मे हैं, ये जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसके बाद भी हम परमेश्वर से क्यों दूर हो जाते हैं, हम उन अभिलाषाओं के कारण क्यों परमेश्वर में कमजोर हो जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो संसार के लिए नहीं दिया है, वो किसके लिए दिया है? अपने पिता परमेश्वर के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हम हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति में इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के हैं। संसार ने हमें नहीं जीता, हमें परमेश्वर के प्रेम ने हमें जीत लिया है, और परमेश्वर ने इसीलिए हमें उन पापों से छुड़ाने के लिए, उस दंड से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए दे दिया। लेकिन हम मनुष्य, हम भाई बहन जो परमेश्वर के खून, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस कीमती दाम को देकर हमें छुड़ाया गया है, हमें मोल लिया गया है, लेकिन फिर भी हम संसार के नियंत्रण में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां, वो ऐसी कंडीशन जो हमें बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, वो प्रॉब्लम जो छोटी होकर भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, हम उसे देखकर डर जाते हैं, हम उसे देखकर हम उससे उसके कंट्रोल में आने लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने अस्तित्व के विषय में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे साथ कौन है, हमारे साथ वो है जो संसार में है उससे बड़ा है। अवर लॉर्ड इज ग्रेटर देन हिम हु इज इन द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ने क्या क्या उत्पन्न किया हम जानते हैं ना, उन 6 दिनों में परमेश्वर ने शब्द के द्वारा ही इस पृथ्वी की रचना की, और हम मनुष्यों को, आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से रचा है, और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंका है, और हम कितने कीमती हैं हम इस विषय में नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराने की, हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन स्वयं प्रभु है वो हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि उसके मुख से हर एक शब्द पूरा नहीं हो जाता है, हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाता, वो शब्द वापस नहीं लौटता। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हम क्यों निराश हो जाते हैं, हम क्यों हताश हो जाते हैं, हम क्यों डिप्रेस हो जाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। वचन क्या बता रहा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। तो संसार की कोई भी चीजें, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम हमें हताश नहीं कर सकती, क्योंकि वचन क्या बताता है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिस बात पर विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर हमारे साथ है,
वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला नहीं सोचता, वो अपने आप को कभी भी निराश नहीं पाता, क्योंकि वो हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में दे देता, क्योंकि हम मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी निर्बलताओं में, हमारे डिप्रेशन में, हमारी निराशाओं में, हमारी चिंताओं में, हमारी बाधाओं में, हमारी बीमारियों में, हमारी तंगी में, हर एक में प्रभु हमारे साथ है। हर परिस्थितियों पर कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये कब संभव होगा? जब इस बात पर हम विश्वास करेंगे, और जब इस विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो हमारी चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। उस चट्टान पर जब हमारा विश्वास स्थिर रहता है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, कोई भी हमें अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने हर कंडीशन को, हर प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। वचन क्या बताता? परमेश्वर हमें इनवाइट करता है, ये बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें मनुष्यों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का क्या क्या मदद करेगा, क्या सहयोग करेगा, क्योंकि वो तो खुद ही परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हम जानते हैं, जब हम ये बात को जान जाते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, लेकिन ये संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। संसारिकता, वो दुष्ट इस संसार को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। जब हम देखते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उस दुष्ट आत्मा के द्वारा हुई, किस प्रकार से इबलीस ने उसके परीक्षा की, सबसे पहले रोटी के द्वारा उसकी परीक्षा की, क्योंकि उस शैतान ने इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, 40 दिन व रात निराहार रहे, और सबसे पहला जो उसकी परीक्षा की गई वो किससे की गई? रोटी के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का ने हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि किस प्रकार से वचन के द्वारा उस शैतान की हर परीक्षाओं को उसने विफल किया, और हम वचन के द्वारा ही उस दुष्ट को हम हरा सकते हैं। वो सिर्फ वचन के द्वारा ही डरता है मेरे प्रियो, वो वचन ही के द्वारा हमसे, हमारे जीवन से दूर चला जाता है, और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। वो दुष्ट इतना इतना चालाक है, हमसे इतना ज्ञान रखने वाला है, वचन को जानने वाला है, वो रोटी चाहे वो शरीर की रोटी हो, चाहे वो उस वचन की रोटी, उन दोनों को के द्वारा भी हमारी परीक्षा करता है। आज हम देखें कि वो इस रोटी के माध्यम से किस प्रकार से हम लोगों को उसने अट्रैक्ट किया हुआ है। आज देखते हैं ना, कितने खाने के साधन है कि हमें बिना मेहनत के, बिना किसी मशक्कत के, हमारा वो जिसको जो चीज हम खाना चाहते हैं बड़ी आराम से पे करके, ऑनलाइन पे करके हमारे पास वो खाना हमारे पास आ जाता है। यानी कि मनुष्य का ध्यान इस वचन रूपी रोटी से हटाकर दुष्ट ने किसकी ओर कर दी है? उस रोटी की ओर जो शरीर को चाहिए। इस शरीर की अभिलाषाओं के कारण ही हम परमेश्वर के से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा शैतान की उस परीक्षा को उसने विफल किया, कि मनुष्य किस प्रकार से जीवित रह सकता है। मनुष्य रोटी से नहीं, सिर्फ हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता है रोटी के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन शैतान जानता है कि हम वचन रूपी रोटी यदि हमें ना मिले तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि हम परमेश्वर के लिए, लेकिन सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम संसार दुष्ट के वश में क्यों पड़ा है? क्योंकि वो नहीं जानता कि परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं जानता, परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर के द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्यों से नहीं है। जब हम पढ़ते हैं ना एफिसियों उसके 6 अध्याय के जब हम 11 से 18 पदों को पढ़े, वहां पे लिखा है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है,
परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में हैं। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक विचारों से है। विचार के द्वारा ही दुष्ट आज हम पर प्रहार कर रहा है। कई बार होता ना कि कोई छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन हम उस पर जब ज्यादा टाइम विचार करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, वो छोटा सा ही विचार कितना बड़ा हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। और हम सोच सोच कर उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि जो चीज नहीं भी हो रही है उसको हम अपने जीवन में होता हुआ देखने लगते हैं। इसलिए विचारों के द्वारा दुष्ट चाहता है कि उसके विचार जो वो हमारे मन में, मस्तिष्क में डालता है, हम उसके विचारों में पढ़कर अपने आप को परमेश्वर से दूर कर ले। इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, वचन के माध्यम से वो जो स्वयं है हमसे, हमें बात करता है, समझाता है कि हमारा मलयुद्ध लोगों से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, हमारा मलयुद्ध उन विचारों से है जो दुष्ट हमारे मन मस्तिष्क में डालता है। और उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, उसे वचन के द्वारा डांटने की आवश्यकता है। हम देखते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट के हर उस वार को वचन के द्वारा उसे उसके वार के द्वारा उसे भगाया। और ये जरूरी नहीं है कि दुष्ट क्या वो वार विचारों के द्वारा हमारे अंदर आए। वो दुष्ट उन भाई बहनों को भी अपने उस योजना में शामिल करता है, उन्हें यूज करता है हमारे विरोध में, और उनके विरोध में वो इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण हम देख सकते हैं जब हम पतंग को उड़ता हुआ आसमान में देखते हैं, और जब जब उस पतंग को काटने की बात होती है तो हम जो ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है उसको ही काटा जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी पतंग कट के नीचे गिर रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको कोई नहीं काटता है ना। यानी कि वो पतंग जो आसमान को छू रही है, जो परमेश्वर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दुष्ट उन्हें ही वापस घसीटता है किसी भी प्रकार के प्रहार से, क्योंकि दुष्ट हमारी सब उन चीजों को जानता है जिसके द्वारा हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। दुष्ट हमसे बेहतर हमारे बारे में जानता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसके द्वारा हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। उन्हीं चीजों को वो हमारे विरोध में इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर की निकटता से दूर करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना के 4:16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और अब हम ये जान सकते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तो कौन हमारे विरोध में रह सकता है, दुष्ट किस प्रकार से हम पर वार कर सकता है। दुष्ट का वार तब होगा जब हम वचन में अस्थिर होंगे, जब हम वचन में बने नहीं रहेंगे। वचन में बने रहने का मतलब है कि सदैव उसमें बने रहना, जबकि वचन क्या बताता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। धन्य है वो जो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान देता है। तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि यदि हमारे जीवन में यदि कोई भी विचार हमें कमजोर बना देता है, कोई छोटी सी बात हमें हमें हर्ट करती है, कोई भी भाई बहन की बात या शब्द जो हमारे विरोध में होते हैं या हमारे विषय में वो बात करते हैं, उनकी बातों को सुनकर क्या हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं? क्या हमने अपने खुश रहना है और अपने दुखी, अपनी निराशाओं को क्या हमने मनुष्यों के हाथ में सौंपा हुआ है? देखिए वचन क्या बताता है कि इस आनंद को हम अपने जीवन में हमेशा बनाए रख सकते हैं। वचन क्या बताता है, हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर के निकट, प्रभु के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सिर्फ वो आनंद जो हमेशा का आनंद है वो किसके निकट मिल सकता है, वो हमें परमेश्वर के निकट मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में नहीं मिल सकता, संसार में वो आनंद नहीं है मेरे प्रियो। संसार में सिर्फ चिंताएं, परेशानियां, निराशाएं ही हैं, लेकिन जो परमेश्वर के निकट रहता है उसके पास आनंद ही आनंद है। इसलिए क्या क्या कहा जाता है वचन में, क्या आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है, तो कोई भी हमारे विरोध में कोई भी बात नहीं हो सकती। लेकिन संसार में जो, संसार के वश में जो है वो कौन है? जो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, जिन्होंने जिन्होंने परमेश्वर और संसार में से सिर्फ संसार को चुना है, संसार के अभिलाषाओं को चुना है। क्योंकि वचन क्या बताता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने आपे का इनकार करना है। अपने आपे का इनकार करने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए डेली डिवोशन है, और बहुत सारे भाई बहनों को मालूम है कि डेली डिवोशन है, या हमें ये मालूम है कि हमें किस दास का, किस दास के द्वारा प्रभु के वचन को सुनना है, या हमें संडे चर्च जाना है, और वहीं पर हमारी शरीर की अभिलाषाएं अगर हमें कहें कि नहीं आज नहीं जाना, संडे ही तो मिला है, आज आराम का दिन है, आज संडे का तो ही दिन है हमें घर के सारे काम निपटाने हैं, आज संडे का ही तो दिन है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय सवाल ये आता है कि हम किसको चुनते हैं, हम किसका चुनाव करते हैं? क्या परमेश्वर को हमने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? क्या हम उसको प्रथम स्थान पर रखते हैं? परमेश्वर ने हमें अपने 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 स्थान में हमें प्रथम स्थान दिया है, उसने अपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इकलौते पुत्र को सेकंड कर दिया, उसने हमें पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं ना कि न्याय का जो, न्याय का मापदंड है, न्याय का जो तराजू है, वो किसके हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है। हालेलुया। क्यों सौंपा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए सारी योजनाओं को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उस योजना को पूरा करने के लिए कितना उनको दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो शरीर में होकर आया था, उसे वो दुख सहना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस प्याले को भी पी लिया। किसकी खातिर? अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए मेरी व आपकी खातिर उस लहू को बहा दिया मेरे प्रियो। लेकिन जब उसके बाद वचन बताता है कि लेकिन वो जानता था इसके बाद जो उसके लिए मुकुट धरा है, उसने लज्जा की बात नहीं सोची, उसने सब कुछ हमारे लिए लज्जा को छोड़ दिया, उसने वो सब कुछ सहन किया। लेकिन परमेश्वर का वचन और क्या बताता है कि हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का आत्मा मेरे बाप के अंदर है, जो कि हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम किस प्रकार से इस बात को का इनकार कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? परमेश्वर का आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है, और इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है। उसका वायदा है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हर कंडीशन में वो हमारे साथ रहेगा। और हम इस बात को, इस बात पर विश्वास करके, इस वचन को थाम कर हम सदैव आनंदित रह सकते हैं। बेशक ये संसार में कोई भी हमारे साथ ना हो, परिवार का कोई जन हमारे साथ ना हो जिस पर हम ज्यादा भरोसा रखते हो, वो दोस्त हमारे साथ ना हो, वो रिश्तेदार हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारे हर घड़ी में, हर पल में, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ सदैव बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। हम कौन है? हम परमेश्वर के, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी सुनता है, जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी सुनता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी उपस्थिति को नहीं जानता, उसके अस्तित्व को नहीं जानता, उसकी उस सामर्थ्य को नहीं जानता, वो इस वचन को सुनकर भी वो क्या हो जाता है? वो बहरा हो जाता है, वो अनजान हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन और हमें ये बताता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, तो हमें, हमें क्या करना होगा कि परमेश्वर का वचन जो हमसे रोज बात करता है,
हमें उसे मानने की जरूरत है, क्योंकि वचन क्या बताता है, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या आज्ञा है, कि हम हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है हम सदैव भले कामों को करने के लिए सरगर्म रहे। क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि इसलिए की ताकि हम भले कामों को करें, और उस भले कामों को करने के लिए जो उसने पहले से तैयार किए हैं चाहता है परमेश्वर हम सदैव भलाई में लगे रहें। वचन बताता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो इसमें और ये इसमें बना रहता है, अर्थात इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, वचन होने के बाद भी वो वचन से दूर हैं, वो सब क्यों दूर हैं, क्योंकि वो संसार की अभिलाषाओं को पाने में सदैव लगे रहते हैं, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हाँ इसके बाद का जीवन क्या जीवन है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर का जो जीवन है बस वही, इसके बाद कुछ नहीं। वचन उन भाई बहनों के विषय में क्या कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए, दूसरा कंथियों 4:4 में लिखा है उन अविश्वासियों के लिए, यहाँ पे विश्वास और अविश्वासी लोगों के विषय में बात हो रही है कि वचन तो है लेकिन फिर भी वो संसार में है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है, अंधी कर दी है। इस संसार का क्या ईश्वर कौन है, वही दुष्ट जो लोगों को भरमाने में लगा है। जैसे हमने हम उस बात को जानते हैं कि आदम और हवा जब वतन की वाटिका में थे और परमेश्वर ने उस फल को खाने से इनकार मना किया था, उस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाए। वहां पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से दुष्ट ने उस बात को जिसे परमेश्वर ने उन्हें मना किया था उसी बात को लेकर उस हवा को अट्रैक्ट किया। आज हम जानते हैं कि संसार किसका है, संसार उस ईश्वर का है जो हमें अपनी अभिलाषाओं में खींच लेता है। आज उस संसार को हम उस फल के रूप में देख सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार के अभिलाषाओं में हम लिप्त ना हो, इस संसार के अभिलाषाओं के वश में ना जाए, लेकिन दुष्ट उसी अभिलाषाओं को हमारे सामने उस सेब के रूप में रखता है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाए। और हम देख सकते हैं अपने आसपास, अपने समाज में, संसार में, कि अट्रैक्शन का दौर कितना है। उस अट्रैक्शन को शैतान दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा है कि यदि एक से ध्यान हटे तो हम दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन वचन क्या बताता है उन विश्वासियों के लिए कि इस अट्रैक्शन के होने के बाद जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को अपने जहन में रखते हैं, जिसने अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लिया है, जिनका ध्यान परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात है, चाहे कितना अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर में बना रहता है। क्योंकि हम परमेश्वर में यदि बने रहेंगे, परमेश्वर हमें बार बार चिताएगा, हम कुछ भी गलत करेंगे, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने सहायक के रूप में हमें दिया है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है, हमें वो बताएगा कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम गलत बोल रहे हैं, कहाँ हम गलत सोच रहे हैं, वो हमें इंडिकेट करेगा, वो हमें बताएगा कि कहाँ हम गलत है। यदि हम उसकी आवाज को सुनकर हम चेतावनी पा लेते हैं तो हम समझ लें हम संसार के वश में नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के उस आवाज को, उस इंडिकेशन को पाने के बाद भी संसार के अभिलाषाओं के नियंत्रण में है। क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि उनकी बुद्धि में वचन को तो वो सुनते हैं लेकिन वचन के उस प्रभाव में नहीं आने पाते, क्योंकि उनके ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा है, संसार का प्रभाव ज्यादा है। उनके बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि उनका ध्यान किस पर है, संसार पर है, परमेश्वर के वचन पर नहीं है। वचन को सुन रहे हैं हम, हर संडे चर्च जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा उनके संदेशों को हम YouTube पर या किसी वीडियो के द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने ये सब कर लिया वही काफी है।
हमने प्रभु को प्रसन्न कर लिया है। हम प्रभु को कह सकते हैं, अरे प्रभु हम तो तेरे वचन पर ध्यान देते थे, तेरे वचन को सुनते थे, लेकिन क्या हमारे जीवन में कुछ भी चेंजेस हुए हैं? क्या हमने आपको धीरे धीरे संसार के वश से छुड़ाने की कोशिश की है? क्या हमने धीरे धीरे उस वचन के प्रभाव में आकर अपने स्वभाव को चेंज किया है? क्या हमने वचन को सुनने के बाद हम में जो भी कमियां हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, उनको क्या हमने उससे हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की है? लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी संसार की तरफ उनका ध्यान है, परमेश्वर को उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर रखा है। वचन बताता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह का वचन जब वो सुने तो उसका प्रकाश उन पर ना चमकने पाए। दुष्ट नहीं चाहेगा कि जिनको उसने अपने वश में कर लिया है वो उसके वश से छुड़ाए जाए। प्रभु ने, परमेश्वर ने एक बार तो हमें पाप से छुड़ा लिया, और हमेशा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, इसके बाद क्या 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 कहा कि इसके बाद तुम मत, क्या मत करना? पाप मत करना। क्योंकि बार बार हमारे किए गए पापों के लिए कोई बलिदान हम बाकी नहीं, माफी है, अनुग्रह का समय है, प्रभु माफ करने के लिए सदैव तैयार है, लेकिन माफी पाने के लिए हमें संसार छोड़कर परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। लेकिन वो दुष्ट विरोधी नहीं चाहता कि हम उसके वश से छुड़ाए जाएं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि उसके वश से हम छुड़ाए जाएं, हमें परमेश्वर के निकट में आने की जरूरत है। कि वचन बताता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो पाप नहीं करते, वो गलतियां नहीं करते, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसका बीज? परमेश्वर के वचन रूपी बीज उसके अंदर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन में कोई ऐसा विचार आए, या हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा यदि गलती हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि आज हमने क्या गलती की, आज हमने किसका दिल दुखाया है, आज हमने किसको किसका अपमान किया, आज हमने किसको किसके बारे में बुरा विचार किया है। पवित्र आत्मा हमें उस समय बताएगा। यदि हमने उसकी आवाज को सुनकर अपने पापों को स्वीकार कर लिया प्रभु के सामने, हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु आज मुझसे ये गलती हो गई, आइंदा को मैं ये गलती नहीं करूंगा, आइंदा को मैं ये गलती नहीं करूंगी, परमेश्वर मुझे माफ करे और अपनी सामर्थ्य दे ताकि आइंदा को मैं फिर से गलती ना करूं। जब इस प्रकार का की बात हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। जब इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, इस बात को हम पकड़े रहेंगे कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं करूंगा। और यदि जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाती है, तो उस पाप के गड्ढे से हमें उठने की जरूरत है, फिर से उठने की जरूरत है हमें। हम अपनी गलतियों, क्योंकि शरीर के द्वारा हम गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार उन गलतियों को करके, स्वीकार करके, परमेश्वर की क्षमा के द्वारा हम फिर से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सदैव तैयार रहें। और ये जान लें, क्योंकि जो दुष्ट है वो आपको बार बार आपको ये बताएगा कि तुझसे पाप हो गया, तुझसे गलती हो गई, अरे तू कैसे परमेश्वर के सामने जाएगा या जाएगी, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। ये इस प्रकार के विचार वो हमारे अंदर डालकर हमें परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन हमें हमेशा इस बात को क्या कहना है कि मैं परमेश्वर से जन्मी हुई हूँ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरा जो आगे का फ्यूचर है वो दुष्ट नहीं जानता। वो हमें बताता ना कि अब तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा। हम उसके भरमाने में आकर गलतियां भी करेंगे, और गलती करने के द्वारा उसके बाद वो हमें उन गलतियों को ही हमारे विरोध में इस्तेमाल करेगा कि तूने ये गलती की है, तूने ये गलती की है, इसे तो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को एक हथियार के रूप में, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध उस हथियार को उठाना है। और हथियार कौन सा है?
परमेश्वर का वचन, उस वचन के द्वारा उसको हमें उस पर वार करना है, उसे अपने जीवन से भगाना है। क्योंकि हम इस बात को हमेशा याद रखें, वचन क्या बताता है कि वचन से ये काम से जो कुछ भी आप करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हम हमेशा ये जाने कि जब जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उस सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या उसके द्वारा हम इस बातों को जाने, क्या परमेश्वर को ये पसंद है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर उसका बीज बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में इस संसार में रहकर हमें बहुत सी इन लड़ाइयों को लड़ना है, और ये लड़ाइयां मनुष्यों के साथ नहीं है, किसके साथ है? हमारे उन विचारों के विरोध में है, उन प्रधानों से, अधिकारियों से, और संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। उन विचारों से हमें लड़ने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता दूसरा क्रंथियों, और जब उसके 10:3-5 पद को पढ़ेंगे वहां ये इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। गढ़ क्या है? वो विचार, वो दुष्टता के विचार जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। और आगे हमें प्रार्थना करनी है कि हम उन तमाम विचारों को जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, उन सभी बातों को हम खंडित करते हैं। इन वचन को हमेशा आप कंठस्थ करें, याद करें, शैतान के विरोध में इस वचन रूपी तलवार को चलाएं, ताकि हम इस बात को जान सके कि जिस परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए, जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, जो आपके चरणों में आए हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावंत आज के उत्साहित वचन के लिए। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि खुदावंत के आपके बच्चे किसी प्रकार से निर्बल ना हो, किसी प्रकार से निराश ना हो। ये वचन रूपी जो तलवार खुदावंत आपने हमें दी है, ये हथियार जो हमें दिया है, इसे चलाने की सामर्थ्य दें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, और इस तलवार को चलाने के लिए इस वचन को प्रभु जी हम आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से, आपके सामर्थ्य से अपने सिरदर्द रूपी पटिया पर लिख सकें। खुदा हम आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, आज का वचन के द्वारा जब प्रभु जी आपने हमसे बात की पिता, कि संसार में जब तक हम हैं हमें किस प्रकार की लड़ाइयों को लड़ना है, उन विचारों के विरोध में हमें लड़ाई करनी है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमें लड़ना है जिस जो आकाश में है, जो हमें हमारी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देते। मुझे प्रार्थना विनती करते खुदावंद आप हमें सहायता मदद करें, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा इस बात को हम हमेशा थाम कर रख सके, इस विश्वास में हम बने रहें कि हम आपसे उत्पन्न हुए हैं, जबकि आपने वचन में सिखाया कि वो मनुष्य, वो भाई बहन पाप कर ही नहीं सकते जिनके अंदर खुदावंद आपका बीज बना रहता है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी उस धीमी आवाज को सुनने वाले बन सके। पवित्र आत्मा जो खुदावंद आपने हमें दी है जो सहायक के रूप में, हम पवित्र आत्मा के हर एक निर्देशन को हम सीखने वाले बन सके, सुन सके, उसके अनुसार हम चलने वाले बन सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में रहते हैं पिता, सदैव खुदावंद आपके वचन रूपी तलवार को अपने हाथों में थाम सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के वचन के द्वारा खुदावंद अपने आप को हम प्रभु जी आप में होकर हम अपने आप को खुदावंदेश्वर राजा निडरता की ओर ले जाएं, और उन सब चीजों से जो प्रभु जी हमें किसी ना किसी रूप में हमें डराती है, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, खुदावंद हमें ये जाने और उस प्रॉब्लम को ये बताए कि वो प्रॉब्लम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। वचन जैसे बताता है कि जब हमारे आप हमारे साथ है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। क्योंकि खुदावंद हमने आज के वचन के द्वारा सीखा
कि परमेश्वर आप बहुत महान परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई नहीं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया सदैव हम पर बनी है। तुझे प्रार्थना विनती करते बने रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में हमें उन वचनों के द्वारा सामर्थ मिलती है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। तुझे वचन खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में हमेशा लगे रहें, अपने उन भाई बहनों के लिए भी हमेशा प्रार्थना करें जो अपने आप को, जैसे वचन क्या बताता है कि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन का प्रकाश उन पर चमके और वो उससे आजाद हो। अपने उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें जो किसी प्रकार से निर्बल हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, और एक दूसरे को भी हम प्रार्थना में उठाए रखें, क्योंकि वचन हमें समझाता है कि जो कोई निर्बल है उसे वचन के द्वारा हम थाम लें, उत्साहित करें, परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। और ये तभी संभव है कि हम जब किसी को वचन समझाएं तो उससे पहले हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 10 बजे हम डेली डिवोशन में ही मिलेंगे। अभी तक कोई ऐसी हमारे पास अभी ऐसी सूचना नहीं है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि इसी तरह से निरंतर हम प्रभु के वचन में सदैव बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।